हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि रिवर बोट प्रॉब्लम पे मैं और न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा आपके सामने, तो आज मैं दो न्यूमेरिकल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप को आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट डेज में भी, नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आपके लिए इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल क्या है? ए मैन विशेज़ टू क्रॉस ए रिवर इन ए बोट। इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम, ही टेक्स 10 मिनट्स विद ए ड्रिफ्ट ऑफ। तो मिनिमम टाइम में उसने डिसाइड किया जब रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो उसको 10 मिनट लगे कम से कम, और इतना 120 मीटर का ड्रिफ्ट है। केस सेकेंड, तो चलो फर्स्ट केस को पहले देखते हैं। तो सोल्यूशन में मिनिमम टाइम की कंडीशन है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जो मिनिमम टाइम की सिचुएशन होती है उसमें जो पर्सन होता है, जो स्विमर होता है, उसको जो अपनी जर्नी को ट्रैवल करना होता है वो इस डायरेक्शन में अपनी जर्नी को ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब वो इस डायरेक्शन में अपनी जर्नी को ट्रैवल करेगा, रिवर का जो फ्लो है, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में आएगा, या मैं ऐसे बताता हूँ कि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में आएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी समथिंग इस तरह से ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज है ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। तो इसको मैं V से डिनोट कर रहा हूँ। ये रिवर की वेलोसिटी है U विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है V डैश, ओके। तो पर्सन जब मिनिमम टाइम में जाएगा तो ए से चलेगा और बी पे आके निकलेगा मिनिमम टाइम में। अब आपको टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को हम ध्यान में रखते छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें पता है कि टाइम लगा उसको टी, ठीक, और ड्रिफ्ट कितना है 120 मीटर है ना। उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और कितनी स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यू स्पीड से, क्योंकि जो 120 मीटर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा ना, 120 मीटर यहाँ से लेके सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 120 मीटर होगा, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है यू स्पीड से जब वो चलेगा, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हो गया 120 मीटर, और इस दौरान इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है यू। टी का वैल्यू उन्होंने बताया है 10 मिनट है, तो मैं यहाँ 10 मिनट लिख रहा हूँ इक्वल टू 120 मीटर डिवाइडेड बाय यू। तो यहाँ से हम आसानी से यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आएगा 12 मीटर पर मिनट, ओके। एक तो ये कैलकुलेशन हमें ध्यान में रखना है, ये वाला, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकता हूँ। केस फर्स्ट से हमें ये पता लगा। केस फर्स्ट से हमें एक और बात पता लग सकती है कि इतने ही टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए जब स्विमर या बोट पानी में था, तो ये जो विड्थ है डी, इसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो डी जो है विड्थ है, ये डिस्टेंस पार करने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 10 मिनट इतना टाइम लगा होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है विड्थ, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो स्पीड है वो क्या है, ये वी है, और 10 ही मिनट लगे, क्योंकि 10 मिनट में अगर ड्रिफ्ट है तो 10 मिनट तक जो बोट है वो पानी में रही, तो उसको रिवर को क्रॉस करने में भी 10 ही मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब डी का वैल्यू भी हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि इतना आएगा, वी इंटू 10, ठीक है। अब चलते हैं केस टू की तरफ। ये था हमारे पास केस वन। केस टू देखते हैं क्या कहता है। केस सेकंड, केस सेकंड जो हमारे पास है उसमें ये कहता है कि इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर इन द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट की डायग्राम मैं आपको अगर बताऊं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बहुत क्लियरली बताया था कि जब पर्सन शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करना चाहता है तो उसकी डायग्राम कैसी होनी चाहिए। तो मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तब उसकी स्विमर की डायग्राम कुछ ऐसी होती है कि स्विमर इस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाता है और रिवर का फ्लो जो है उसको यहाँ पर लेके आ जाता है। इसका मतलब ये इस केस में यू होगा और ये वी होगा,
और जो रिजल्टेंट होगा इस केस का, रिजल्टेंट होगा जो, वो ऐसा आएगा, दिस इज़ द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा जिसको मैं यहाँ पर वी डैश लिखूँगा। क्लियर है ये बात? ये है शॉर्टेस्ट पाथ के केस में, शॉर्टेस्ट रूट का केस, और ऊपर वाली डायग्राम जो है वो है मिनिमम टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ से अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। इफ़ ही क्रॉसेज द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, और उसको इस बारी कितना टाइम लगा है, टी की वैल्यू बताई गई है, इतने मिनट लगे हैं उसको क्रॉस करने में। फाइंड द वेलोसिटी। अब देखो, जब शॉर्टेस्ट टाइम का केस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का केस होता है, तो जो टाइम लिखा जाता है वो ये हो जाएगा डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस डी हो गया, ये डी डिस्टेंस हो गया, और इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर कौन है, वी डैश है, वी डैश है। और इसी को मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस तरह से। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंचना है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या बताएगा, ये है टी की वैल्यू हो जाएगी अब 12.5 मिनट इक्वल्स टू ये जो डी था, और डी का वैल्यू मैंने आपको ये बताया था, ये है डी का वैल्यू, ये इस डी की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 10 मिनट मल्टीप्लाई वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको फर्दर धीरे धीरे इसको सॉल्व करते जाना है। ये हो जाएगा 125 मिनट डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 मिनट मल्टीप्लाई वी ऐसे वी स्क्वायर माइनस, अब यू का वैल्यू है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 144 आएगा इस तरह से। अब ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 इक्वल्स टू 100 वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस 144। अब यहाँ से इक्वेशन से हमें वी कैलकुलेट करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इस वी को कैलकुलेट करने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके वी तक पहुँच सकते हैं। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होगी, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 125, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ डिनोमिनेटर वाली चीज़, ये दूसरी तरफ चली जाएगी जब, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 10,000 वी स्क्वायर, कुछ ऐसा कैलकुलेशन इसका आने वाला है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15625 वी स्क्वायर माइनस 2250000 इक्वल्स टू 10,000 वी स्क्वायर, ब्रैकेट को आपने ओपन कर दिया। अब वी स्क्वायर एक तरफ ले आइए, 15625 माइनस 10,000 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 225000। इस इक्वेशन को ये वी स्क्वायर हो जाएगा, तो 225000 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5625, ओके। फर्दर आपके पास आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 400, तो यहाँ से वी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर मिनट। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ओके। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखो आपके सामने क्या कहता है, कहता है ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद ए वेलोसिटी वी विच इज एन टाइम्स लेस देन रिवर। तो यहाँ पर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको सबसे पहले पकड़ना है स्टूडेंट को, कि जो रिवर की बोट की वेलोसिटी है वी विच इज़ एन टाइम्स लेस,
इसका मतलब जो वी है वो कम है यू से, रिवर की वेलोसिटी से. और इनका क्या रिलेशन है ये बताता है, जो यू ज़्यादा है कितना ज़्यादा है, एन टाइम्स ज़्यादा है. अब जब ये कंडीशन हो गई कि बोट धीरे चल रही है और रिवर फ्लो फास्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बोट कभी भी एग्जैक्टली अपोजिट एंड पर नहीं पहुंच पाती. एग्जैक्टली अपोजिट एंड पर मतलब ए से चल के बी पर अगर पहुंचना है तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि वी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. ये मैंने लास्ट लेक्चर में थ्योरी में आपको बताया है, बट यहाँ पर यह कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. इसीलिए जो पर्सन है, जो बोट है, वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता. उसका ड्रिफ्ट होगा ही होगा, इस केस में ड्रिफ्ट ज़ीरो नहीं हो सकता. तो इसलिए आपसे पूछा गया है, एट वॉट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग, कि कम से कम ड्रिफ्ट होने कितने एंगल पे बोट को मूव किया जाए कि ड्रिफ्ट का वैल्यू कम से कम हो. ज़ीरो तो नहीं होगा लेकिन कम से कम कितना हो सकता है. ठीक है, तो इस केस में हम ये देखेंगे. तो एक बात तो क्लियर है हमें कि मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग के लिए, या फिर जब हमें एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचना होता था तो हम ऐसे चलते थे, इस डायरेक्शन में मूव करते थे, है ना, ये वी होता था हमारा और जो रिवर फ्लो है वो हमें बी पे ले आता था. लेकिन इस केस में रिवर का फ्लो क्या करेगा, हमें कहीं यहाँ ले आएगा. तो ये यू ऐसा हो जाएगा, ये बी पे नहीं रुकेगा. तो जो रिजल्टेंट हमारा बैठेगा वो फिर इस तरह से हमारा रिजल्टेंट बैठेगा जो वी डैश होगा. तो देखो आपको यहाँ पर मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर वी है उसके दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट तो उसका ये है, है ना. तो अगर ये एंगल मैं थीटा लिखता हूँ तो ये ग्रीन वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, वी कॉस ऑफ थीटा. और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, वी साइन ऑफ थीटा. ये वी की मैंने कंपोनेंट्स बना दिए. इसका मतलब अब ये हो गया कि जो वी था वो दो कंपोनेंट्स में बढ़ गया, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग. तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं. एक तो हमारे पास ये है यू और एक छोटा वेक्टर है वी साइन ऑफ थीटा. इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो सकती है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या हो सकती है, यू माइनस वी साइन ऑफ थीटा. ये वेलोसिटी होगी अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस. और अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो है वी कॉस ऑफ थीटा, ये होगा अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस. अब ये जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के कारण ये डी डिस्प्लेसमेंट जो, या डी विड्थ कह लो रिवर की, उसको क्रॉस किया जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग. और एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी ड्रिफ्ट के लिए. तो चलो देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बैठती हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये बैठी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब मुझे ड्रिफ्ट लिखना होगा तो वो कितना लिखा जाएगा, तो ड्रिफ्ट तो वो एक्स लिखा जाता है. ये क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी है, यू माइनस वी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई टाइम. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब कितना टाइम लगा तो वो भी देखना पड़ेगा. फिर वाई एक्सिस को देखते हैं. वाई एक्सिस की इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो वो होगा डी जो विड्थ है इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड है वी कॉस थीटा और यहाँ पर टी टाइम लगा. सेकंड इक्वेशन से टी को सॉल्व करें अगर हम तो ये आ जाएगा वी कॉस ऑफ थीटा. तो इस टी को हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो जाएगा यू माइनस वी साइन ऑफ थीटा और टी की जगह लिखा जाएगा डी अपॉन वी कॉस ऑफ थीटा. ये हमारे पास ड्रिफ्ट का जनरल एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको हम फर्दर
ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन अगर करेंगे तो ये आ जाएगा यू डी अपॉन वी कॉस ऑफ थीटा माइनस वी डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से ये वी और ये वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो ये हमारे पास एक एक्स का वैल्यू आ गया यू डी अपॉन वी कॉस ऑफ थीटा माइनस डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये एक छोटी सी एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, इसको फर्दर लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, एक्स इक्वल्स टू यू अपॉन वी डी सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस डी टेन ऑफ थीटा। ये अब इसको बताना है फॉर एक्स टू बी मिनिमम, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तो फॉर एक्स टू बी मिनिमम तो हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो अब हम वो मैक्सिमा मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको ज़ीरो पुट करेंगे। चलिए एक्स को जब मैं करूँगा तो यू अपॉन वी डी सीकेंट थीटा माइनस फिर से डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी टेन ऑफ थीटा, इस तरह से ये ज़ीरो होना चाहिए। यू अपॉन वी डी ये कांस्टेंट बाहर आ गए, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन किसका होगा यहाँ पर, सीकेंट थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस यहाँ से डी बाहर आ गया तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा। ओके सो यू अपॉन वी डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस डी, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो टेन थीटा होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ये को सीकेंट इधर भी है इधर भी है कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगा यू अपॉन वी डी सीकेंट थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू डी सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है, ये सीकेंट से एक सीकेंट कैंसिल हो सकता है और डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया यू अपॉन वी टेन ऑफ थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा इसको u अपॉन v लिखना था, u अपॉन v। सो u अपॉन v, अब tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, और secant थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो sin थीटा हो गया v अपॉन यू, ये एक्सप्रेशन आ गया साइन थीटा का। बट हमें न्यूमेरिकल में गिवन है कि जो यू है वो एन टाइम्स वी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन टाइम्स वी, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन एन। तो थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन एन। ये तो जो एंगल है ये एंगल है परपेंडिकुलर के साथ, है ना। देखो ये डायग्राम थी हमारे पास, ये थीटा जो था ये वाई एक्सिस के साथ बना हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा फिर ये एंगल, तो 90 डिग्री को ऐड कर देंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इस डायरेक्शन में बोट को जाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में बताया गया वी जा रहा है, तो इसका मतलब विद स्ट्रीम डायरेक्शन तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स वन बाय एन। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, आपके लेवल को फुलफिल कर रहे होंगे।
आपकी रिक्वायरमेंट जो है फिज़िक्स में एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, हर जगह पर इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर्स में कुछ इसी तरह के, इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।